पहचानी है ये 2002 में जब दंगा करवाया था, 1992 में जब दंगा कराया था अडवाणी ने, हमारा ये गुजारिश है तमाम हिंदू भाई मुसलमान इकट्ठा होकर ये विरोध किया जाए। इस काला कानून से ये सरकार नहीं चलेगी। दीदी इधर बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलने का हक है। बोलिए आप, बोलिए बोलने का। बोलिए जरा जितना हम लोग पे औरतों पर था, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आज पूरी बेटी पूरी औरत जमीन पे आ गए। गाड़ी चालू है, रास्ता चलेंगे। अमित शाह करवा रहा है दंगा, आज हिंदू मुसलमान एक दूसरे को लड़वा रहा है। मेरा यही कोशिश है तमाम भाई से, हिंदू भाई से मुसलमान भाई, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सबसे पहले जो पड़ोसी मुल्क हमारे पर हमला करेगा तो कौन लड़ाई करेगा? हिंदू मुस्लिम सब एक संग लड़ाई करेंगे। हमारा यही गुजारिश है तमाम हिंदू भाई मुसलमान इकट्ठा होकर ये विरोध किया जाए। इस काला कानून से ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार बिगाड़ हो चुकी है। मैं बार बार यही कहते हुए आ रहा हूँ, ये सरकार सही नहीं है, ये आपस में लड़ाने वाली सरकार है। आज गुजरात में देखिए, आज हिंदू का भी घर चल रहा है, मुसलमानों का भी घर चल रहा है। सबसे फायदा कौन उठा रहा है? राजनेता लोग। कोई भी एक नेता मरा है? कोई भी एक नेता का बेटा मरा है? दिखा दीजिए हमको। एक मीडिया वालों ने भी दिखा दिया, कोई मेरा नहीं मरा। आम नागरिक मरता है, आम नागरिक मर रहा है। कोई नेता मरता है? कोई नेता मरेगा शहीद होते हुए, कुर्बानी देते हुए? कोई नेता नहीं है। अब पब्लिक मरेगा, आपस में लड़ते मरते रहेंगे। मेरे यह गुजारिश है तमाम हिंदू भाई मुसलमान इकट्ठा होकर ये विरोध करे, ये काला कानून से ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, ये विकास सरकार हो चुकी है। सबका बड़ा ये गुंडा सरकार आने तक वाले है। जैसे IAS के जैसे टेररिस्ट लोग, जैसे आज मासूमों को मार रहे हैं, आज आरएसएस वाले लोग मार रहे हैं मासूमों को,
तब से बड़ी बात है, आज बाथरूम आने से सुबह ले लोग मारे। आज ये बोलते हम लोग हिंदू है, हिंदू का नाम बदनाम कर रही है लोग, कोई मुसलमान बन के मारे, ये मुसलमान का नाम बदनाम कर रहा। इस्लाम नहीं चाहता है, हिंदू मजहब नहीं चाहता है, आपस में लड़ाई लड़ो। हम लोग शांति मांगते हैं, हम लोग शांति मांगते हैं, हम लोग इसके लिए विरोध करते हैं। यह सरकार बेकार हो चुकी है भाई। आज हम लोग एक प्लेट में पालन में होना चाहिए हम लोग को। आज के दंगा जो करवा रहे हैं 92 का देख लिए, ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का जवाब आज में आज सब राजनेता भी बैठा हुआ है, सब बोलने वाला कोई दीदी इधर बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलने कहाँ के, बोलिए आप, बोलेंगे बोलेंगे आप, बोलिए। तेरा जिस तरह हम लोग पे औरतों पर था बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आज पूरी बेटी पूरी अब औरत जमीन पे आ गई। अब जब औरतें जब होश में आ जाए वो कहाँ जाएगी, तो बेहोश हो जाएगा ना। सही बात, मिले हम लोग सही बात है, सही बात है, हम लोग मर्दों को औरत पैदा किया है और मर्दों ने पैदा नहीं किया है, ये लोग कहाँ से, ये भी औरत के पेट से पैदा हुए हैं। अरे जब मर्दों ने तब ये किया लेकिन हिम्मत तो औरत, पहला बात ये लोग तो औरत को जानते नहीं है, सबसे बड़ा क्रिमिनल ये लोग हैं। वजह से नहीं हुआ, आज जो हम लोग आवाज उठाया तो उन्हीं को बजा, आज 34 सालों में या इतना कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये आने से इतना बेखौफी, आज जो इतना बगड़ा बिगड़ा है सब मिल के एक ही आवाज उठाना, औरतें हो मर्दे हो भाई हो बहन हो सब एक हो, हम लोग चार लाठी में एक आवाज, हम लोग सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम लोग मुस्लिम, हम लोग का हक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब एक, सब जात को एक ही हो जाना चाहिए। इसके गैर कानूनी हम लोग सब खिलाफ, कानून नहीं चले, काला कानून नहीं चले, एनपीआर नहीं चले, कुछ नहीं चले, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई में क्यों बंटवारा कर रहे हो, तुम खुद जानते नहीं तुम्हारा न माँ है न बहन है न बेटी है न ये, जब तुम्हारी कोई रहता तो तुम ये चीज जला दिया है, इस तरह सरकार को भी जला दिया है, ये सरकार हो चुकी है, गाड़ी चालू हो रास्ता चलेंगे। सब के सब पार्क सर्कस मैदान के अंदर जा रहे हैं, जहां पर पिछले 50 से 60 दिनों में प्रोटेस्ट बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। Chao,
और ये 50 दिन नहीं 62 दिन हो चुके हैं। Oh, yeah.